alternative technique for using gold foils are sandwich foils, which contains gold and platinum. These are used for attaining markedly enhanced physical properties because platinum is a hard metal. Hard metal भी है ना, gold से hard है. Yes. अच्छा जी. Now इसके बाद जी क्या होता है, इसके बाद हम अपनी वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज करते हैं, क्या ख्याल है? सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज से उठ के आप गार्डन में चले गए. हाँ नहीं, गार्डन का मजा नहीं आ रहा, स्पेस में जाते हैं. लेकिन स्पेस का भी मजा नहीं है, स्पेस के नीचे तो... नीचे वो बॉर्डर जो है वो दूसरा नजर आता है. चलो बस जो कुछ भी है, अब आप मुझे देखो और मुझे करो स्पेस में. अच्छा जी, नाउ सैंडविच फाइल कंटेन्स गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है जी. यूजुअली दीज आर अप्लाइड और दीज आर applicable for class 1 cavities. All of you people know very well about the classes of cavities. But small class 2 cavities can also be restored with these gold and gold platinum foils. So advantages of these are that these are perfectly corrosion resistant. Why? Because both are, if both or if purely gold is applied, both are corrosion resistant. ठीक है जी? Now, they not rely on relatively soluble cement lute for retention. तो cementation करने की भी इनको जरूरत नहीं होती. बाकी तो हम जो भी चीज करेंगे तो उसको हम सीमेंट करेंगे ना, जैसे क्राउन ब्रिज ये वो इनलेज वगैरह. तो जो हम डायरेक्ट टेक्निक यूज करते हैं उसके अंदर हमें गोल्ड फाइल्स या शीट्स या पाउडर या हम पैलेट्स यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें किसी किस्म का सीमेंट लूट, लूट का मतलब जो सीमेंट जो यूज करते हैं उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है उसकी रिटेंशन के लिए. दे आर सेल्फ रिटेंटिव.